किसान भाई, अगर अभी नहीं चेतल हो तो फिर तोरा पास कोई मौका नहीं रहता, तोरा जे छे बाद में फिर पछतैला के अलावा और तो कुछ नहीं कर पारबो। एक कहावत छे ना, अब पछताए होत का जब जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अभी चेती जा। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू किया है जीएस न्यूज। लगातार पूरे भारत में किसानों का विरोध जारी है। सबों को मालूम है कि किसान बिल को लेकर किसानों द्वारा लगातार भारत सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए इस खास मुद्दे में हमारे साथ आज खास मुलाकात में है डॉक्टर राकेश रमन झा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अभी जो है किसान बिल पर जो है लगातार विरोध जारी है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं, वैसे लोग जो अभी तक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह क्या है बिल और इसमें क्या होने वाला है। दरअसल मैं किसान के बिल पर, जो अभी सरकार ने किसान बिल बनाया है, उस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन किसानों की जो स्थिति है देश के अंदर, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। भारत की तकरीबन 70% आबादी किसी न किसी रूप से खेती पर, किसानी पर निर्भर है। और किसान की स्थिति क्या है, हम लोग जब अपने स्टूडेंट के ज़माने में प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा था गोदान, उसको पढ़ते थे, तो उसमें उसका जो मुख्य पात्र है होरी, वह कैसे किसान से मजदूर बन जाता है, इसकी कहानी है। तो जो स्थिति उस वक़्त 1935-37 में किसानों की थी, आज भी कोई मूलभूत परिवर्तन किसानों के जीवन में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि अगर किसान के घर में 2000 रुपये भी कैश की आमदनी महीने की नहीं है, तो उस किसान के देह पर बढ़िया कपड़े नहीं है, उस किसान के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। तो अभी जो सरकार ने किसान के ऊपर जो बिल बनाया है, उसमें दरअसल जो सरकार की सोच है प्राइवेटाइजेशन की, उसकी झलक दिखती है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट हाथ में देने का सोच रखा है। कई बड़ी बड़ी मुनाफा कमाने वाली कंपनियां भी सरकार बेचने को तैयार बैठी हुई हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी कृषि को लेकर ये 2020, तो एक तो कोरोना काल ने लोगों को तबाह कर दिया, किसानों को भी तबाह कर दिया, बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया, उसके बाद इस बिल को लेकर। इस बिल में तो मुख्य बात जो है, जो मैं बताना चाहूँगा गोसाईगांव न्यूज के दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से, कि मुख्य बात ये है कि अब जो कॉरपोरेट घराना है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो खेती के क्षेत्र में कूदने वाले हैं, और उनको सरकार ने एक ऑप्शन दिया है कि अब वो कॉरपोरेट खेती करेंगे और किसानों के साथ वो उनका एग्रीमेंट, डायरेक्ट एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में ये है कि अगर किसान को वो कोई पैसा देना चाहते हैं तो, और किसान को उसमें नुकसान हो रहा है, तो अगर उनका कॉरपोरेट के साथ एग्रीमेंट है तो वो अपने अनाज किसी और को नहीं बेच सकते हैं, और कॉरपोरेट के साथ अपना संबंध भी विच्छेद नहीं कर सकते हैं। उनकी खेत जो है फसल नहीं होगी, लेकिन वो कोर्ट में भी अपने कंपनसेशन के लिए नहीं जा सकते हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, SDM या DM, उनके कोर्ट में वो केस कर सकते हैं, लेकिन वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो तो किसानों की बात क्यों सुनेंगे, कॉरपोरेट्स की बात सुनेंगे, वो तो कॉरपोरेट्स के रिप्रेजेंटेटिव। यह वही हिंदुस्तान है जहां किसानों के लिए हरित क्रांति आई थी, और उसके बाद से हिंदुस्तान में कृषि की स्थिति बदल गई। हिंदुस्तान में कृषि की स्थिति बदली है, लेकिन जो बड़े किसान हैं उनकी स्थिति में निश्चित सुधार हुआ, लेकिन जो मार्जिनलाइज किसान हैं, जिनके पास खेती का बहुत कम क्षेत्र है, उनकी स्थिति बुरी और बदतर होती जा रही है कृषि नीति की वजह से। तो मतलब कि अगर सीधे जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी जो है काफ़ी इस चीज़ को लेकर विरोध, विपक्ष में जितने भी हैं लोग कर रहे हैं, किसानों का भी विरोध है, आप इसे किस निगाह से अभी देखते हैं, एक बिहार से आप इसे किस प्रकार देखते हैं? बिहार में किसान आंदोलन अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है जितना पंजाब या हरियाणा या महाराष्ट्र का किसान आंदोलन है। बिहार के किसान आंदोलन
में उतनी गहराई नहीं है, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो जो किसानों के मुद्दे को समर्थन करती हैं या करने वाली हैं उनको आगे आना पड़ेगा और किसानों को जो है वो समझाना पड़ेगा कि यह बिल आपके खिलाफ है और इसके लिए आप आगे आइए। और आपको क्या लगता है कि जो बिहार में भी एनडीए की सरकार है कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू के साथ है, तो बीजेपी अपना वर्चस्व बनाए रखी है चाहे वो केंद्र हो कि बिहार में हो, तो क्या इस जब यह बिल पास होगा इससे तो जो है बिहार के भी किसान बिल्कुल मतलब उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है? बिहार के किसानों की स्थिति जो मोटा मोटी है बहुत खराब है, होने वाली नहीं है, खराब है और इसके इसके सुधार के कोई लक्षण दिख भी नहीं रहे हैं। बिहार में जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं, मार्जिनलाइज्ड किसान हैं, उनको इस बिल से बहुत नुकसान होने वाला है। वर्तमान में जो स्थिति है वो मतलब जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो भी लगभग दूसरे राज्यों में हैं और जो भी कृषि से आय है, जब कहा जाता है कि लगातार किसानों का एक रहता है जो जैसे कि हम लोग अभी अगर बात करें भागलपुर नौगछिया की ही, तो यहाँ ज़्यादातर जो फसलें होती है सब्जियाँ होती है उसका रेट मार्केट रेट उसी समय बाजार कीमत में गिरावट होती है जिस समय वह तैयार होता है। अनिश्चित रूप से चूंकि सरकार प्रोक्योरमेंट के लिए कोई खास पहल नहीं करती है तो सरकार क्या करती है कि वह सिर्फ मार्केट के ऊपर छोड़ देती है, तो अगर बाजार में ज़्यादा सब्जी आ जाएगी, ज़्यादा अनाज आ जाएगा तो निश्चित रूप से खरीदार कम होंगे तो किसानों को कम दाम में बेचना पड़ेगा। MSP जो सबसे बड़ा जो किसानों का मुद्दा है कि MSP जिसको कि मार्जिनल सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उसकी कोई गारंटी सरकार ने इस बिल में नहीं दी है। जो मुझे ये सुनने में आया है कि यहाँ नौगछिया का जो बाजार है, यहाँ का जो मक्के का दाम रखा गया है वो 1800 रुपये है, लेकिन किसानों को 950 या 1050 रुपये में क्विंटल में अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, सरकार इसको रोकने का कोई उपाय नहीं कर रही। नहीं तो अच्छा एक चीज़ एक था कि क्या ये जैसे मान लीजिए किसानों के लिए आया, ज़्यादातर गेहूं और मक्के की बात हो, गन्ने की बात हो, तो ये जिस तरह सब्जियां जो सब्जियां उगाते हैं क्या उन पर भी इस तरह का प्रभाव पड़ेगा? सरकार अगर इनके भंडारण का कोई उपाय नहीं करती है, कोल्ड स्टोरेज में अपना माल नहीं खरीदती है, तो इनके ऊपर सब्जियों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। ज़्यादा दिन तक इसको आप प्रोक्योर करके नहीं रख सकते हैं, तो अगर सरकार इसको नहीं खरीदेगी, मार्केट के भरोसे छोड़ देगी, तो निश्चित रूप से सब्जी के जो किसान हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि चारों तरफ कहा जाए तो सिर्फ किसानों के लिए घाटा ही घाटा। निश्चित रूप से किसान आज देश में सबसे त्रस्त समुदाय है और इसको अगर नहीं इसके स्थिति में सुधार होता है तो मैं समझता हूं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब होने वाली। इसी देश में एक नारा आया था जय जवान जय किसान, और एक दृश्य आया जब उसी किसान के सामने जवान को खड़ा कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या? ये लाल बहादुर शास्त्री ने जब भारत और पाकिस्तान का जंग हुई थी 1967 में, तब लाल बहादुर शास्त्री ने किसान और जवान दोनों को मिला करके एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस वक़्त हमारे पास अपने ज़रूरत के मुताबिक अनाज नहीं होता था, तो हम अमेरिका से या दूसरे देशों से अनाज का आयात करते थे। अमेरिका के साथ हमने PL 480 की एक संधि कर रखी थी जिसके तहत अमेरिका से हम अनाज भारत मंगाते थे, तो अगर किसानों को नहीं बढ़ावा देंगे तो हम जो है खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, इसलिए किसानों को की ज़रूरत को देखते हुए या किसानों की मांग को देखते हुए उन्होंने जय किसान का नारा दिया। और चूंकि पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई थी तो जवान को भी प्रोत्साहित करना था, तो दोनों को मिलाकर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि उस वक़्त चूंकि अनाज की कमी से हम लोग जूझ रहे थे तो शास्त्री जी ने दिया कि मंगलवार के दिन हम एक वक्त खाना खाएंगे और एक वक्त हम उपवास करेंगे, तो भगवान के घर में भी आपकी हाजिरी लग गई, मंगलवार को आपने उपवास रखा और
अनाज भी हमारा जो है एक वक्त का बच जाएगा। और पूरे देश में वॉलंटियर किया लोगों ने, मंगलवार का फास्ट रखना शुरू हुआ और आज भी मंगलवार को बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं। अच्छा, एक सवाल था मेरा कि जैसे मान लें कि किसानों को जो है या मतलब बिल जो है वो बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा, अच्छा वैसे लोग जो इसका उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, मक्के का व्यापार करते हैं, यहाँ तो ज़्यादातर छोटे व्यापारी हैं जिनका कि व्यापार लाखों में है, जो बाहर के हैं करोड़ों अरबों रुपए में है उनकी बात नहीं की जाए, जो ज़्यादातर यहाँ रहते हैं बिहार में रहते हैं या बिहार से बंगाल, हमारा बिल्कुल पश्चिम बंगाल बिल्कुल निकटतम है, ज़्यादातर मक्के का आयात निर्यात होते रहता है, तो क्या उनका उन्हें भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है उन पर? व्यापारियों को तो फायदा होगा इससे अगर ये बिल चलता है, किसानों का नुकसान होना है क्या अगर सरकार नहीं खरीदेगी, बाजार के भरोसे या व्यापारियों के भरोसे होगा तो वो तो उचित दाम पर नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करना है। तो व्यापारियों का जो इस तरह के व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं उनको निश्चित रूप से इसका लाभ होगा और वो एट द कॉस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीजेंट्स, किसानों के वेलफेयर के कॉस्ट पर होगा। अच्छा, अभी जो स्थिति है आपको क्या लगता है कि इस पर सरकार विचार कर रही है क्या? आपको लगता है कि इस तरह, क्योंकि जिस तरह की पिछला रिकॉर्ड देखा जाए कि भारत सरकार जो विचार कर लेती है, जो विधेयक ले आती है, उसे परिवर्तन करना नहीं चाहती है और लगभग नहीं ही करती है ऐसा देखा जाए तो? दरअसल सरकार की नीति में सुधार हो या कोई सरकार अपनी नीतियों को बदलती है वो सारा कुछ गाइड होता है वोट से जी। तो इस सरकार जो केंद्र की सरकार है उसने जो भी डिसीजन लिया है और उसके बाद भी वो लगातार चुनाव जीतती जा रही है तो उनको लगता है कि हमारी पॉलिसी से जनता खुश है तो वो क्यों बदलाव करना चाहेगी। तो अभी अगर किसानों का ये आंदोलन बहुत मजबूती से नहीं खड़ा होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि यह सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी। सरकार चाहेगी कि इसमें छोटी मोटी कुछ जो गलतियां हैं उसमें सुधार करके संशोधन के द्वारा इसको फिर से लागू किया जाए और किसानों ने अगर उनकी बात को अभी तवज्जो ज़्यादा दी और अपने आंदोलन को मजबूत नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं कि किसानों के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अभी जो है जो यहाँ के किसान होंगे, मतलब जो बिहार के और आसपास के होंगे, उन्हें आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि यह जो बिल है किसान का वो किसानों के किसी भी स्थिति में फेवर में नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वह अपने आप को मजबूत करें, अपनी एकता बनाए रखें और सरकार के सामने ऐसी स्थिति जरूर नॉन वायलेंट वे में, वायलेंस के द्वारा नहीं, आंदोलन करें ताकि सरकार सोचने पर विवश हो जाए कि हमको अगर इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो वोट के रूप में भी नुकसान हो सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको अभी सचेत होने की ज़रूरत है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको किसानों को एकत्रित करने का तेज़ी से प्रयास करना है। आपके ओर से कोई सरकार को सुझाव और जो ऐसे लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं इस मुहिम में, मतलब सत्ता पक्षधारी हैं, उनके लिए कोई सुझाव आपका? हाँ, मुझे तो लगता है कि किसानों के हक में दो तीन चीज़ें करनी चाहिए। एक तो MSP का जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो ज़रूर से ज़रूर इस बिल में जोड़ा जाना चाहिए कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हो तो किसान अपनी मांग को लेकर के और अपनी स्थिति को बताने के लिए कोर्ट में जा सके, इसका प्रोविज़न होना चाहिए। दूसरी बात, अगर सरकार कहीं जो है ज़्यादा अनाज होता है, ज़्यादा सब्जी हो जाती है तो उसके उचित भंडारण की व्यवस्था करें और सरकार खरीदे जो अनाज है, सब्जी है, सरकार खरीदे और यहाँ जो लोकल व्यापारियों को भी अगर कुछ खरीदना है तो वो सरकार से खरीदे ताकि किसी तरह से कोई गड़बड़ ना रह जाए। और जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, हमारे चैनल पर आपका वीडियो देख रहे होंगे और जो हिंदी नहीं समझते उसके लिए अंगिका में उन्हें आप किसानों को, यहाँ के किसान जो भागलपुर और आसपास बिहार के हैं उन्हें कुछ अपने भाषा में अंगिका में कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? हाँ किसान भाई,
अगर अभी नहीं चेतल हो तो फिर तोरा पास कोई मौका नहीं रहता, तोरा जे छे बाद में फिर पछतैला के अलावा और तो कुछ नहीं कर पार। वो एक कहावत छे ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अभी चेती जा और सरकार के जे बिल छे एकरा खिलाफ गोलबंद हुआ, लामबंद हुआ और निश्चित रूप से आंदोलन का मजबूत बनाओ। तो किसी बिल के खिलाफ जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक उबाल है, किसानों का विरोध जारी है, इसी बीच में आज हमारे साथ खास मुलाकात में डॉक्टर राकेश रमन झा थे और इनकी बातें हम आप तक पहुंचाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा जीएस न्यूज। मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज।